गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division. If so, how? It means question number second में हमें क्या बोला है, 1/7 का answer already given है और वो बोल रहे हैं कि बाकी के जो expansion है आपके पास 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, उसको आप विथाउट मतलब बिना ओपन करे लॉन्ग डिवीजन मेथड के आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे. इफ सो हाउ, ये कैसे पॉसिबल होगा, मतलब इसको पर्टिकुलर आपको डिवाइड नहीं करना है, मतलब बिना डिवाइड करे आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपांशन है हमारे पास क्वेश्चन में 0.142857 बार, वो कैसे आया, राइट. अगर इन केस वो ये आंसर नहीं देते तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता, 1/7 को पर्टिकुलर डिवाइड करना पड़ता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करे थे, राइट. हम कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक रिमाइंडर हमारे पास जीरो नहीं आ जाता, या फिर वही वाली टर्म वापस से रिपीट होने लगे तब तक हम इसको डिवाइड करते, राइट. उसी के बाद हम बचे हुए जो रेशनल फॉर्म है उसको हम डेसिमल में क्या करेंगे, कन्वर्ट, राइट. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1/7 का डिवाइड कैसे होता है, राइट. देखिए 1/7 का यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 1 आपका क्या है, न्यूमरेटर नंबर, एंड द 7 इज डिनोमिनेटर नंबर, राइट. तो हमने 1 लिखा और 7 से डिवाइड करना है, राइट. अब 1 कभी भी 7 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए हमने पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, तो जो 1 था वो क्या बन गया, 10, राइट. तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, पूरी टर्म डिवाइड करना है. एक बार मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये बन गया है 10, 7 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 1 से, तो 7 बन जा 7. तो बताइए 10 में से 7 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचा, 3 बचा. अब 3 फिर डिवाइड नहीं हो रहा है 7 से, तो मैंने क्या करा, 0 ले लिया, राइट. तो ये क्या बन गया, 30. अब 7 की टेबल में 30 आता है क्या, नहीं, लेकिन 30 से कोई कम नंबर, 7 4 जा 28, राइट. तो वहां ऊपर लिखा 1 के पास 4 और इधर नीचे लिखा 30 के नीचे 28 लिखा, राइट. तो 30 में से 28 को मैं माइनस करूंगी तो कितना बचा, 2. 2 फिर डिवाइड नहीं हो रहा तो मैंने क्या लगा दिया, 0. अब 7 के टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता है, इट मींस 20 से कम कोई वैल्यू हो तो वो देख लेते, तो 7 2 जा 14, तो 4 के पास मैंने क्या लिख दिया, 2, राइट. तो 20 में से 14 को माइनस करा तो कितना बचा, 6, राइट. 6 के बाद मैंने क्या लगा दिया, अगेन 0, क्योंकि 7 की टेबल में 6 तो पॉसिबल नहीं, तो ये क्या बन गया, 60. अब 7 की टेबल में 60 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आता है, या तो 60 आना चाहिए, 60 से कम, तो 7 8 जा 56, तो मैंने 2 के पास में 8 लिख दिया और 60 के नीचे 56 लिखा, राइट. तो 56 माइनस करा तो कितना रिमाइंडर बचा, अब हमारे पास 4 बचा, राइट. अब 4 फिर डिवाइड नहीं हो रहा तो मैंने क्या लगा दिया, 0. फिर कितनी बार हमारा डिवाइड गया, 7 5 जा 35, 8 के पास मैंने इधर लिखा है 5 और 40 के नीचे मैंने लिखा 35, तो 40 में से 35 माइनस करा तो कितना बचा मेरे पास, 5, राइट. 5 फिर डिवाइड नहीं हो रहा तो मैंने क्या लगा दिया, 0.
अब ये कितनी बार डिवाइड जा रहा है, 7 7 जा 49। अब रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में भी 1 था, ये भी 1, इट मीन्स अगर मैं वापस से एक बार और 0 लेती हूँ तो ये जाएगा 7 1 जा 7 और रिमाइंडर कितना बचा, 3। इट मीन्स जो पहले वाले नंबर्स थे 1 4 2 8 5 7, वापस से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो यही वाले 6 नंबर वापस बार बार रिपीट होंगे। इट मीन्स इसके ऊपर 12 आ जाएगा। इट मीन्स 1/7 का हमारा आंसर कितना होता है, 0.142857 बार। यही नंबर पूरे एक साथ बार बार रिपीट होंगे, लेकिन ये वाला आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे के रखा है। इसके बाद हमें, ये तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से करा है राइट, लेकिन इसके बाद जो रेशनल नंबर है 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7, उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है, उसको बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हो वो बताना है राइट। तो यहाँ पे मैंने 1/7 का पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड में करके बताया, बट क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी आंसर गिवन है। इनकेस हो सकता है कि एग्जाम में गिवन न हो, तब आपको इसी मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक बार 1/7 का निकालना है और फिर बचे हुए रेशनल फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आइए अब हम बचे हुए डेसिमल को बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से कन्वर्ट करेंगे राइट। तो आपके पास क्या गिवन है, अब 2/7 राइट, 2/7 को कन्वर्ट करना है। तो देखिए अब हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहली स्टेप है 2/7, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं। ऊपर के नंबर को अलग कर दिया, 2 1 जा 2 राइट, तो 2 अलग कर लिया, 1/7 एज इट इज, इक्वल का साइन लगाया, 2 को मैंने एज इट इज लिखा इनटू, और 1/7 की प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, 0.142857 बार राइट। अब ये जो टर्म है इसमें आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई। अब ऊपर ये नहीं देखना है कि बार है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे राइट, जैसे हम नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे कि 2 7 जा 14, फिर 1 कैरी, 2 5 जा 10, फिर 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17। इस तरीके से हम सम को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.285714 बार। क्लियर, मतलब 2/7 को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में राइट, क्योंकि हमारे पास 1/7 का आंसर ऑलरेडी गिवन था। अब इसी तरीके से हम किसको कन्वर्ट करेंगे, 3/7 को। तो सबसे पहले अब सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे 3/7 लिखा हुआ है, 3/7 को हम क्या लिख सकते, 3 1 जा 3, मतलब 3 अलग कर दिया और वापस से 1/7 राइट, तो 3 की प्लेस पे मैंने 3 एज इट इज लिखा इनटू, और 1/7 की प्लेस पे एज इट इज जो सम में गिवन था वो लिख दिया, 1/7 का आंसर आपके पास ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है, 3 के साथ इनटू में लिखा मैंने 0.142857 बार। इसमें मुझे किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का। तो आप अगर कॉपी में करके देखेंगे प्रॉपर वे में तो आपके पास आंसर आएगा 0.428571 बार। बार के प्लेस पे बार ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको मल्टीप्लाई करना है और बार लगाना न भूलना। यदि अगर गलती से आप बार लगाना भूल गए तो आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा ठीक है। अब मैंने 2/7 और 3/7 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। नाउ द थर्ड स्टेप, अब मुझे किसको कन्वर्ट करना है, 4/7 को राइट। तो 4/7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 1 जा 4, मतलब 4 मैंने अगेन सेपरेट कर लिया और 1/7 फिर लिख दिया। मतलब हम किसी भी रेशनल का कन्वर्ट करेंगे तो जो नंबर है उसको सेपरेट कर लो और हर बार क्या लिखेंगे, 1/7। तो यहाँ पर भी मैंने 4 अलग लिखा और 1/7 मल्टीप्लाई में लिखा ठीक। 4 की प्लेस पे मैंने 4 लिखा इनटू 1/7 राइट। 1/7 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, 0.142857
बार, क्लियर। अब हमें इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, फोर का, जैसे हम नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 कैरी था तो कितना हो गया 22, 2 नीचे लिखा अगेन 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 2 कैरी बन गया 34, फिर 4 लिखा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार ये भी क्या हो गया 4/7 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया और इसका आंसर कितना आया हमारे पास 0.571428 बार, क्लियर। नाउ द फोर्थ टर्म, क्या है फोर्थ टर्म, 5/7। तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/7 इक्वल 5 × 1/7 के प्लेस पे अगेन हमने वैल्यू रखी, क्या वैल्यू रखी 0.142857 बार। अब इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 5 का, तो हम जैसे ही इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.714285 बार, क्लियर। अब लास्ट टर्म आपकी है 6/7, तो हम 6/7 को भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे 6/7 को, 6 1 जा 6 लिख सकते हैं, 6 मैंने सेपरेट करा और 1/7 सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई में लिखा, राइट। तो 6 की प्लेस पे मैंने 6 लिखा इनटू 1/7 की प्लेस पे जो क्वेश्चन में हमारे पास आंसर गिवन था, इट मींस डेसिमल फॉर्म में गिवन थी वैल्यू, हमने वो पुट अप करी। तो 1/7 की प्लेस पे मैंने रखा 0.142857 बार, क्लियर। अब मुझे इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 6 का, तो जैसे ही मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई करूंगी, पर्टिकुलर इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.857142 बार, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने हर एक नंबर को सेपरेट करके 1/7 का मल्टीप्लाई करा है, क्यों, क्योंकि सम में ही ऑलरेडी बोला था विथाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के आपको इसको डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करना था। तो मैंने देखिए यहाँ पे इसको पर्टिकुलर मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड नहीं करा है और ये डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गया है, क्यों, क्योंकि 1/7 का उन्होंने आंसर दिया था। तो इसी तरीके से आप बाकी के सम भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आपको पर्टिकुलर चेक ही करना है कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं, तो आप रफ में सपोज 6/7 का अलग से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हो तो देखना आपके पास यही आंसर आएगा, मतलब आप सम को इस मेथड से कर सकते हो, अगर बोले तो कि विथाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड कन्वर्ट टू डेसिमल एक्सपांशन, क्लियर।